जैसी चलती आ रही है, कोई सिस्टम कोई चेंज नहीं होगा। मोदी जी के आने के बाद यही हुआ है कि एक देश सशक्त हुआ है, अभी हमारा देश सशक्त हुआ है। हाँ, आप जम्मू से हैं सर? हाँ जी। मंदिर बन रहा है यूपी में, हाँ, आप इसके नाम पर यदि मोदी जी रैली करने जाएं और कहीं वोट मांगे कि ये हमारे सरकार में मोदी राम मंदिर बना, तो आप वोट करेंगे इसके आधार पर? सर क्यों नहीं करेंगे? हम वैसे भी करेंगे, राम मंदिर नहीं बनता तब भी करेंगे। लेकिन मुद्दा होगा 24 का? 24 का मुद्दा हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, राम मंदिर तो हो गया। हाँ, कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं बन पाया पहले ये बताओ। अब तो कांग्रेस बताएगी रही है, वो तो मुद्दा बनाते थे हाँ कांग्रेस वाले, ताकि ना बने उनसे वोट लिया जाए। कोई महंगाई नहीं है भैया, क्या महंगाई है, कोई महंगाई नहीं। अभी पूछ लेंगे, बता देंगे, बहुत ज्यादा महंगाई है। पूछने में क्या, सब महंगाई ये चलता रहेगा, कांग्रेस आएगी तो क्या महंगाई रोक देगी? कोई भी, हम गरीबों के लिए काम करते थे, कांग्रेस का ये बात है, और बीजेपी बोलते है की अमीरों को और अमीर कर रही है। किसको अमीर कर दिया? अडानी मानी अडानी, वो पहले भी अमीर थे, अभी भी अमीर है। हाँ। सेमीफाइनल में अगर वो हार जाती बीजेपी को, अगर थोड़ी मार लगती, हाँ, तो कांग्रेस के चांस थे। अच्छा। चांस फिर भी नहीं थे, हाँ, लेकिन अब ये हुआ कि अब 350 पार हो गई हैं सीटें, बीजेपी क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया, वो सेमीफाइनल था, अब डबल होगा। अगर स्टेट में लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, तो सेंटर में तो मोदी को डबल वोट डालेंगे। जिसने कांग्रेस को वोट दिया था वो भी बीजेपी को ही डालेगा। माहौल देश का? माहौल तो यही दिख रहा है कि भाई मोदी जी ही पीएम बनेंगे। माहौल कह रहे हैं कि मोदी जी ही पीएम बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि काम तो कुछ अच्छा ही किया है। अब नए साल में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, मुंबई तक यात्रा करेंगे फिर से। बोल रहे हैं कि सामाजिक भेदभाव ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा होता ना, देखो जी, भेदभाव हर युग में था, हर युग में था, इस युग में नहीं, हर युग में था। आप पांडव से लेकर के आज तक ले लो, ठीक है ना, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और ये कलयुग, मतलब भेदभाव तो चलता रहेगा। छोटा मोटा अगर भेदभाव नहीं चलेगा, अगर राम है तो रावण को भी चाहिए, और रावण नहीं होगा तो राम क्या करेगा, है ना? दोनों को होना जरूरी है। अच्छा। है ना? जम्मू से? जम्मू से घूमने हैं इधर, बिजनेस के सिलसिले में। कैसी चल रही है सर आपकी, वहाँ पे सरकार तो है नहीं? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। अच्छा अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। 370 से पहले और बाद का कुछ फर्क नजर आता है? कोई फर्क नहीं, फर्क क्या, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे भी ठीक है। अभी भी हमले हो जाते हैं सर? वो तो रुक नहीं सकते भैया, वो तो मतलब वो तो होते ही रहे, कैसे रुकेंगे सर? वो तो बिल्कुल चप्पे चप्पे पुलिस तो है, लेकिन छोटी मोटी हरकतें तो होती रहेंगी, तब भी हो रही है, अब भी होंगी, आगे भी होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। हाँ, वो तो अभी बोल दे रहे कि आगे भी, मतलब ये चीज नहीं रुक सकती भैया, ठीक है? नहीं रुक सकता। अरे भैया वो हरकतें, अभी कश्मीर साइड कम हो गया, अभी पुंछ रजौरी वाली साइड ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, वो जो रजौरी वाली साइड, पुंछ वाली साइड, अभी वहाँ पे कुछ, अभी कश्मीर में तो थोड़ा बंद हो गया, बिल्कुल कश्मीर बंद है, उधर पुंछ साइड चढ़ गया, रजौरी पुंछ वाली साइड, अभी वहाँ पे अभी जैसे 4 हमारे आर्मी के जवान शहीद कर दिए उन्होंने, तो ये छोटी, ये तो होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। सर मोदी जी से आपको लाभ कुछ हुआ है? हाँ, बड़ा कुछ हुआ है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ सर बड़ा, उसके डर से, डर की वजह से अभी जो हुर्रियत नेता है, जो NCC कांग्रेस PDP, ये जो थोड़ा गुलाम नबी आजाद, हाँ, ये मिले जुले ही होते थे सारे, एक जैसे ही है, अभी काफ़ी फर्क है वहाँ पे, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। 6 महीने फिर से चुनाव है? हाँ मोदी जी आएंगे, वो तो कोई नहीं। जनता के लिए क्या वैसे बोलते, महंगाई बढ़ गया है बहुत ज्यादा? कोई महंगाई नहीं है भैया, क्या महंगाई है, कोई महंगाई नहीं। अभी पूछ लेंगे, बता देंगे, बहुत ज्यादा महंगाई है। पूछने में क्या, सब महंगाई ये चलता रहेगा, कांग्रेस आएगी तो क्या महंगाई रोक देगी? कोई भी, हम गरीबों के लिए काम करते थे, कांग्रेस का ये बात है, और बीजेपी बोलते है की अमीरों को और अमीर कर रही है। किसको अमीर कर दिया? अडानी मानी अडानी, वो पहले भी अमीर थे, अभी भी अमीर है, कांग्रेस के टाइम अमीर नहीं थे वो? हर बंदे के पास ना 50-50 हजार का मोबाइल है, वो कहाँ से आ रहा है? अमीर है तभी ले रहे हैं। अमीर है तभी तो है ना, गरीबी रखा है, गरीबी रख रहे हैं, मजदूरों भी रख रहे हैं, सब फोन रख रहे हैं। हाँ, तो फोन रखने से अमीर गरीबी का प्रतीक बन जाता है। अरे भैया, अमीरी गरीबी पहले भी थी, आगे भी रहेगी। आगे भी, मेरा कहने का हर चीज वैसे ही चलेगी जैसी चलती आ रही है, कोई सिस्टम कोई चेंज नहीं होगा। मोदी जी के आने के बाद यही हुआ है कि एक देश सशक्त हुआ है, अभी हमारा देश सशक्त हुआ है। हाँ, आप जम्मू से हैं सर? हाँ जी। मंदिर बन रहा है यूपी में, हाँ, आप इसके नाम पर यदि मोदी जी रैली करने जाएं और कहीं वोट मांगे कि ये हमारे सरकार में मोदी राम मंदिर बना, तो आप वोट करेंगे इसके आधार पर? सर क्यों नहीं करेंगे? हम वैसे भी करेंगे, राम मंदिर नहीं बनता तब भी करेंगे। लेकिन मुद्दा होगा 24 का? 24 का मुद्दा हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, राम मंदिर तो हो गया। हाँ, कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं बन पाया पहले ये बताओ।
अब तो कांग्रेस में था ही वो तो मुद्दा बनाते थे कांग्रेस वाले ताकि ना बने उनसे वोट लिया जाए। जय तो हिंदू तो यही चाहता था कि बने, वो तो कब से चाहता था, उनका तो पूरा हो गया ना काम, तो पूरा हो गया। सर दो तीन काम बताइएगा जो आपको नजर आता हो। किसका? बीजेपी का, मोदी जी का। सारा काम अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है बता दीजिए ना। 20 काम बता रोड भी चला जाएगा। अरे भैया रोड देख लो कितने अच्छे बने हुए हैं हर चीज की, जैसे वो आयुष्मान योजना है वो भी अच्छा है, जो गरीबों को पैसा मिल रहा है घर मकान के लिए टॉयलेट के लिए, किसान योजना है वो भी अच्छा है, और क्या है काम यही है। फिर से आएंगे मोदी जी? हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर। सर 2025 तक, 2050 तक राजस्थान MP छत्तीसगढ़ सेमीफाइनल में हो गया वो, अगर वो सेमीफाइनल में अगर वो हार जाती बीजेपी को, अगर थोड़ी मार लगती तो कांग्रेस के चांस थे, चांस फिर भी नहीं थे, लेकिन अब ये हुआ कि अब 350 पार हो गई है सीटें, बीजेपी क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया, वो सेमीफाइनल था, अब डबल होगा। अगर स्टेट में लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को तो सेंटर में तो मोदी को डबल वोट डालेंगे, जिसने कांग्रेस को वोट दिया था वो भी बीजेपी को ही डालेगा। समझे बात सर? आपका एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा। एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही है। शर्मा जी 6 महीने में चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल देश का? माहौल तो यही देख रहे हैं कि भाई मोदी जी ही PM बनेंगे। माहौल कह रहे हैं कि मोदी जी ही PM बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि काम तो कुछ अच्छा ही किया है, अब नए साल में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, है ना, पब्लिक की नज़र वही है। खुश होंगे सर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है बहुत। किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे? भाई थैंक यू तो कह रहे भगवान को ही कहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो उसी ने दिया है, है कि नहीं? नहीं भाई, PM CM तो सबको उसी ने बनाया है, सारे परे चल रहे बस सृष्टि चल रही है। और भाई पांच सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिसों ने फैसला दिया तो भगवान राम के में दिया, जो घुसपेटिया था, जो घुस गया था उसको निकाल करके उसको भी कुछ दे दिया, है कि नहीं? बेरोजगारी और महंगाई का बहुत बात चल रहा है सर। देखो बेरोजगारी अंग्रेज के टाइम में भी था, और इंडिया से ज्यादा बेरोजगारी अमेरिका के अंदर है, है नहीं है? अब आपको नौकरी मिला है, जनसंख्या भी अमेरिका का कम है, जनसंख्या कम है, पहले चीन की जनसंख्या ज्यादा थी, अब हम नंबर वन है। तो हमेशा अगर अभी जैसे अमेरिका की तरह ये डॉलर बन जाएगा तो कितना मजा आएगा। नहीं जब वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाले हैं लोग, ठीक है ना, उनका साथ देंगे, साथ मतलब खड़े होना उनके साथ, है कि नहीं? तो उनके साथ जब खड़े होंगे तो इंडिया का नोट भी डॉलर की तरह काम करेगा। राहुल गांधी जैसे भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे ना सर, फिर से एक भारत न्याय यात्रा लेकर क्या है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा करेंगे फिर से, बोल रहे हैं कि सामाजिक भेदभाव ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा होता ना, देखो जी भेदभाव हर युग में था, इस युग में नहीं, हर युग में था। आप पांडव से लेकर के आज तक ले लो, ठीक है ना, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और ये कलयुग, मतलब भेदभाव तो चलता रहेगा, छोटा मोटा अगर भेदभाव नहीं चलेगा, अगर राम है तो रावण को भी चाहिए, और रावण नहीं होगा तो राम क्या करेगा, है ना, दोनों को होना जरूरी है, है ना। चुनाव है सर 6 महीने में, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस PM मोदी हो रहा है, जैसे कि नाम सामने आ रहा है, टक्कर का मुकाबला होगा सर? मुकाबला ऐसा होता है ना, वोट तो PM इनकी मोदी जी के हंस ही जाएगा, क्योंकि इनकी बहुमत बहुत पावरफुल है, वर्ल्ड लेवल की है, तो जनता देगी ना देश की, जनता वर्ल्ड लेवल की बात छोड़ दीजिए। देखो जनता जस्टिस है, जनता जिसको वोट देगी उसी की सरकार बनेगी, नहीं वही तो वर्ल्ड में नहीं, जनता देश की जनता मालिक है, ये देश के 140 करोड़ लोग उनको मानते हैं। भाई लोगों के पास पहले गैस का सिलेंडर नहीं था, चूल्हा नहीं था, बोलते कि गैस तो मिलेगी बहुत महंगा दिया है। अरे अब 400 रुपए का मिलेगा ना, अगर दिल्ली में अगर बन गई तो उनकी सरकार तो 400 रुपए मिलेगा, अगर राजस्थान में 450 का है तो दिल्ली में 400 का होगा ना, मिलने वाला राजस्थान में। यूपी में 1000 रुपए हाँ? यूपी में क्यों ना दे रहे सरकार उनकी है? अरे तो लिखो ना, योगी आदित्यनाथ को लिखो, यूपी में देना चाहिए। बीजेपी दो राज्यों में दोहरी व्यवहार कर रही है सर, ऐसा होता है ना, देख सबसे बड़ा राज्य है, हर चीज पे महंगा है, बिजली महंगी। सर सामने अच्छा पॉइंट है आपका, थोड़ी बोलो ना यार क्या हुआ कह रहा कि कम से कम न्यूज़ देखा लगे कि बीजेपी दो राज्यों में है, राजस्थान में 450 में और यूपी में 1000 रुपए में दे रही है। अब ये देखो आप जब तक कहते हैं ना कि जब तक आप मतलब नहीं कंप्लेंट करोगे कि भैया अब योगी आदित्यनाथ है,
योगी आदित्यनाथ है ना, हाँ। अब सीएम तो मेरे ख्याल यूपी को सुधार दिया है, आधा तो सुधार ही दिया होगा। बोलते हैं कि सुधार दिया है, इनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा होता है ना, जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अगर 1000 रुपए का है तो आप उनको उनको कंप्लेंट करो ना कि जी राजस्थान में हमारी सरकार बन गई, अब दोबारा फिर बननी है यूपी में, तो आप सिलेंडर वहाँ 450 का, तो यहाँ 400 करो ना। कभी बोला कभी नहीं बोला, प्रदर्शन करना चाहिए, मांग करना जब चाहिए। जब तक आप मांग करेंगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक आप कोर्ट में पिटीशन डालेंगे नहीं, हाँ। तो आपको न्याय मिलेगा कहाँ से? वकील साहब को फीस नहीं देंगे तो वकील साहब क्यों लड़ेंगे जज साहब से? वकील साहब की बात कर रहे हैं तो कपिल सिब्बल खड़े हुए थे राम मंदिर के विरोध में कि राम मंदिर है ही नहीं, सोनिया गांधी बोल रही थी कि राम डजंट एग्जिस्ट, तो उनको बुलाया गया है। जाम जेठमलानी जी भी हुए तो फेवर में बोल रहे थे, हाँ। कि भैया राम मंदिर बनेगा, आज स्वर्गीय हो गए, हाँ। राम जेठमलानी साहब जो है आज स्वर्गीय हो गए, लेकिन बोला ये राम मंदिर यहीं बनेगा और वहीं बन गया।